तमाम रस्साकसी भागदौड़ के साथ उगते व डूबते सूर्य को अर्घ के साथ छठ पूजा संपन्न पहुंचे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के दिग्गज। क्या कुछ लोग कहते हैं आप स्वयं पर्व आप सभी देख रहे हैं कितने हर्ष और उमंग के साथ यहाँ पर कितनी अधिक संख्या में लोग पूर्वांचल के भाई बहन यहाँ पर मनाते हैं। अरुण भाई हमारे पुराने साथी हैं और मैं जब से इन्होंने यहाँ पर छठ पूजा कार्यक्रम शुरू किया है मैं तब से जुड़ा हूँ। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, अरुण भाई हमारे पुराने साथी हैं और हम पहले दिन से ही यहाँ पर हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर अरुण भाई को भी और जितने हमारे भाई बहन इस व्रत को श्रद्धा से रख रहे हैं सबको छठ भैया की का आशीर्वाद मिले, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिले। देखिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्यदेव हमारे सामने हैं और ये पहला ऐसा पर्व है जिसमें हमारे ईष्ट देव जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो साक्षात रूप से हमारे सामने होते हैं। और ये त्यौहार जो है ये हमें प्रकृति से भी जोड़ता है, हमारे हमें वनस्पति से भी जोड़ता है और जो भी ऊर्जा का स्रोत हमें इस संसार में दीप्तिमान है उन सब से हमें जोड़ता है। मैं छठ पूजा के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ख़ास करके दिल्ली में जितनी रस्साकसी चल रही थी उसमें आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से आपको पता है छठ पूजा संघर्ष समिति ने पूरी दिल्ली में कितना मेहनत किया, उसका आज रंग देखने में आया और लोगों में बहुत जोश उत्साह भरा हुआ है और किसी तरह की कमी नहीं है। सिर्फ हम लोगों को कमी खल रही है कि जो जमुना में पूजा के रोक नहीं हट पाए इसके लिए थोड़ी सी कमी खली, उसके लिए भी हम लोगों ने एलजी साहब के यहाँ प्रदर्शन किया था। उस वक्त आप लोग वहाँ थे, देखा, हम लोगों ने अपनी पूरी प्रयास जारी रखा और घाट पर इतनी भव्य व्यवस्था जो हुई है वो सब दिल्ली सरकार के तरफ से पूरा व्यवस्था रहता है और समिति भी लगी रहती है दिन रात। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अंत अंत में जो भी कम समय रहते हुए आपने जो आदेश दिया दिल्ली में सार्वजनिक पूजा करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। लोगों में जो उत्साह में कमी नहीं है और हम लोग सुबह में 3 बजे यहाँ घाट पे आ जाते हैं और हमारे छठ व्रती कोसी भरते हैं और सूर्य उदय का इंतज़ार करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक ये पूजा का चलता रहता है और फिर जाके अर्घ देते हैं पानी में खड़े होकर के, इसके बाद ये पूजा का समापन होता है। साल तो हमारा कोरोना की वजह से नहीं हुआ, बड़े हम लोग उसमें थे या छठी मैया का व्रत नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का आभारी हैं जिन्होंने हमें छठ व्रत पूर्वांचलीय करने दिया और माँ का मैं आस्था रखूँगा, माँ जितने भी पूर्वांचलीय उनको खुश रखें, आपकी पूजा हम करते हैं। छठ मैया की महिमा अपरम्पार, इनके बारे में वर्णन हम नहीं कर सकते, शब्दों के माध्यम से हम नहीं कर सकते वर्णन। व्रती बिहार यूपी पूर्वांचल ही नहीं, ये आस्था का त्यौहार है। आपके मन में भी अगर आस्था है और जो कुछ भी सच्चे दिल से इन छठी मैया से अगर आप मांगते हैं वो बेझिझक वो देंगी और ये पूर्ति होता है, ये हमारा पूर्ण विश्वास है और होता है। और वही शक्ति देती हैं, ये हम व्रत नहीं रखते हैं, वही शक्ति देती हैं हमें व्रत रखने का। निर्जला व्रत है ये, पर हम रखते हैं। मैं ही नहीं तमाम पूर्वांचलवासी और सभी लोग जो व्रत में आस्था रखते हैं ये वही आस्था दिलाती हैं और वही शक्ति देती हैं जो हम 36 आवर 36 घंटा बगैर पानी के रह लेते। बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल बाद हमें छठ मनाने का सौभाग्य मिला जिसमें हमारे मनोज भाई जी ने बड़ी मेहनत करी और उसके उपलक्ष में हम मनोज भाई को थैंक यू कहते हैं। पहले तो सभी लोग नारा लगाएंगे छठी मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी मनु भाई ने बताया पिछले लॉकडाउन के समय में 1 वर्ष जो हम लोग छठ पर्व नहीं मना पाए कोविड की वजह से, लेकिन आज सरकारों ने जो परमिशन दी है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का महापर्व जिसे कहा जाता है छठ पर्व, उसकी हम लोगों को परमिशन दी। और आप देख रहे हैं सुबह से और कल से 3 दिन का त्यौहार है ये, हम लोग सभी जगह पर जाके शामिल हो रहे हैं। और मैं भगवान सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ, छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि जिस श्रद्धा से जिस मेहनत से इन लोगों ने इस पर्व को यहाँ पर मनाया सेक्टर 3 के अंदर या विभिन्न विभिन्न जगह पर, छठी मैया इन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और जो विपदा हमारे बीच में आई थी कुछ समय पहले
उससे हम लोगों को दूर रखें और सभी के घरों में सुख शांति प्रदान करें। और मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि इस कोविड टाइम के बाद काफ़ी लोग दूर हो गए थे, आज इस पर्व के माध्यम से हम लोग दोबारा से एकत्रित हुए हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सावधानी को बरतते हुए, क्योंकि इस समिति ने कोशिश की है कि सावधानी बरतते हुए इस पर्व को मनाया जाए, कोशिश पूरी की गई है। और मैं समझता हूँ इस पर्व के माध्यम से हमारे समाज में एक मैसेज जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सब लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और छठी मैया से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ चरणों में उनका वंदन करते हुए कि हम सब लोगों को सद्बुद्धि दे, हम सब लोगों के घर में सुख शांति बनी रहे, मेरी ये मानता है। और मैं सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने इतना बड़े अच्छे तरीके से इस आयोजन को सफल बनाया। ये पूजा नहीं, एक अद्भुत है। जी का आशीर्वाद लेते हुए मनोज भाई जी का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि सरकार जी ने काफ़ी लेट परमिशन दिया, जिस कारण हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था छठ घाट को साफ करना, इसमें पानी का भरना। इस कम समय के अंदर हमारे बड़े भाई मनोज गुप्ता जी ने अपने कुछ कारीगर भेज के छठ पूजा घाट की सफाई करवाई, इसमें पानी भरवाया, काफ़ी सहयोग करा, जिस कारण आज हमें छठ करने में काफ़ी हेल्प मिली।